पूरे बिहार में चौथे चरण के मतदान को लेकर नामांकन पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नवादा में 20 अक्टूबर को होने वाले चौथे चरण के चुनाव को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के द्वारा पर्चा दाखिल किया जा रहा है। नवादा के अकबरपुर भाग संख्या 13 से निवर्तमान जिला पार्षद राजकिशोर प्रसाद लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ राजकिशोर प्रसाद ने नवादा के रजौली अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। लगातार मिल रहे जनसमर्थन, सहयोग और आशीर्वाद से उत्साहित निवर्तमान जिला पार्षद ने पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्य और आम लोगों के प्रति समर्थन का नतीजा बताते हुए विकास कार्य को आगे बढ़ाने और अपने क्षेत्र को पूरे राज्य में सबसे विकसित जिला पार्षद क्षेत्र बनाए जाने की बात करते हुए फिर से जीत का दावा ठोका है। आम लोगों के सहयोग से उत्साहित निवर्तमान जिला परिषद राजकिशोर प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज। बिग न्यूज की टीम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहुंच चुकी है नवादा, और नवादा अकबरपुर भाग 13 से जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में राजकिशोर प्रसाद ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। हम सीधे बात करते हैं, काफी लोग उत्साहित हैं, क्या लग रहा है? लगातार लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, क्या लग रहा है? उत्साह देखा जा रहा है, इसलिए देखा रहा है कि इसके पूर्व हम 5 साल से इसके प्रतिनिधित्व किए हैं भाग संख्या 13 से और काम किए हैं, इसलिए लोग उत्साहित हैं। काम का मेहनताना देने के लिए लोग आए, काम का मेहनताना देने को आए हैं। और यदि आप चुनाव जीतते हैं, जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है लोगों में, काफ़ी माहौल एक दूसरे टाइप का लग रहा है, लोग काफ़ी आपको आशा भर बड़ी नज़र से देख रहे हैं, यदि चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद क्या कीजिएगा? सबसे पहले मेरा मुख्य उद्देश्य होगा कि शिक्षा पद्धति को सुधार करना। ऐसे हम शिक्षा प्रेमी हैं और पहले भी नवादा जिला में 1800 विद्यार्थी को निःशुल्क UPSC BPSC का तैयारी करवाते हैं। क्षेत्र में पानी की समस्या, क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के लिए हमेशा काम करते रहे हैं, बुधवा डैम बनाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम किसान की सुविधा को मुहैया कराना और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बनाना मेरा उद्देश्य होगा। युवाओं के लिए जो है, छात्र छात्राओं के लिए विकास की बात की, किसान के की विकास की बात की, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, कहीं ना कहीं आम लोग जो हैं उनकी पीड़ा भी बहुत तरक्की होती है, उनके लिए क्या करेंगे? जिला परिषद के तहत 25 विभाग आता है, 25 विभाग के तहत हमने सभी विभागों में है ना मुस्तैदी से अपने क्षेत्र की जनता का, जिला के जनता का मजबूती से उसके आवाज़ को उठाने का काम किया है, और इसी तरह से मजबूती से अगर पुनः जीतेंगे तो और मजबूती से उठाने का काम करूंगा, और उस 25 विभाग में जो भी क्षेत्र की जनता का समस्या होगा उसको निदान करने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह हमारे साथ अकबरपुर भाग 13 से जो जिला परिषद उम्मीदवार हैं राजकिशोर प्रसाद थे, जिन्होंने साफ कहा कि जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, जो भी विकास योजना है, उनको धरातल पर लाएंगे और अपने जिला परिषद क्षेत्र को नवादा का सबसे बेहतरीन क्षेत्र बनाएंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, बिग न्यूज़ नवादा।